महामस्तकाभिषेक 2018 श्रवण बेलगोला भगवान बाहुबली का शुरुआत हो चुकी है और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, पुण्य की बात है कि इस पवित्र धरती पर दिगंबर जैन धर्म के करीब 350 साधु संत आज मौजूद हैं और उनमें ही मौजूद हैं कुछ ऐसे आचार्य जिन्होंने दिगंबर जैन धर्म को बहुत ही आगे बढ़ाया है। आज मेरे साथ जो आचार्य हैं, मैं अगर उनके शिष्यों की बात करूं तो मुनि तरुण सागर जी महाराज, मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज, मुनि पुलक सागर जी महाराज, मुनि सौरभ सागर जी महाराज, मुनि प्रज्ञा सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज, मुनि प्रसंग सागर जी महाराज, अनगिनत नाम और अनगिनत वाणी। अगर देखा जाए तो आचार्य श्री ने जो शिष्य दिए हैं इस दिगंबर जैन धर्म को, ये इन्होंने एक बहुत बड़ा देन दिया है। दिगंबर जैन धर्म आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनका नाम मैंने अभी तक नहीं कहा था, मैं उनका नाम अब कह रहा हूँ कि पुष्पदंत सागर जी महाराज आज मेरे साथ हैं और मुझे पुष्पगिरी भी जाने का मौका मिला, आचार्य श्री के ऊपर फिल्म बनाने का भी मौका मिला। आज आचार्य श्री आप सबको अपना आशीर्वाद देंगे। नमस्ते गुरुदेव। महामस्तकाभिषेक 2018, मैं इसके संदर्भ में जानना चाहूँगा कि आप आके यहाँ पर कैसा अनुभव कर रहे हैं और लोगों को आप अपना क्या आशीर्वाद देंगे? अनुभूतियाँ हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं होती हैं, लेकिन जब कोई पथिक हो और धूप से छाया में आया हो और कंठ उसका क्लांत हो प्यास के कारण, जब उसे शीतल पेय पदार्थ मिलता है जो आनंद की अनुभूति होती है, बस वही अनुभूति मुझे हो रही है। दूध में शक्कर तो है लेकिन साथ में केसर भी है और वही अनुभूति मुझे बाहुबली के चरणों में यहाँ हो रही है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ और यहाँ का जो अनुशासन है बहुत अच्छा है। चारू कीर्ति जी ने जो कुछ व्यवस्थाएँ दी हैं मेरे ख्याल से कोई दे नहीं सकता और आप एक बार दर्शन को पधारें, मैं आनंदित हूँ। गुरुदेव ने जो संक्षेप में कहा, जैसे भोजन में नमक, प्यासे को एक बूंद पानी, दूध में शक्कर, ये अद्भुत उपमा गुरुवर की है, गुरुवर ने दी और ये इनकी खासियत है, तभी आज दुनिया इनको आचार्य पुष्पदंत सागर जी के नाम से नमस्तु करती है।